हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.30। और ये जो सवाल है इसमें बता दे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, या उसी को बोल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, के उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सीओ, फिर सीओ का होल फोर। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह कोबाल्ट दे रखा है, एक जगह दूसरा जगह में आपको कार्बन मोनोक्साइड दे रखा है। उसके लिए आपको देखिए इस सवाल को करने के लिए ये चार्जेस याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बाय हार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग तभी चार्जेस को लिख पाएंगे और फिर निकाल पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप लेना होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को एक्स मानना होता है। दूसरा स्टेप लेते हैं कि सारे चार्जेस को ऐड करके जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके चार्ज को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं और एक्स का वैल्यू ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला वाला जो सीओ है वो हमारा सेंट्रल मेटल है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे के का जो होगा चार्ज, ठीक है, के का चार्ज आप याद कीजिए कितना होता है, तो प्लस वन होता है, तो प्लस वन लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सीओ का चार्ज लिखेंगे, एक्स होता है तो एक्स लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये कितना है, चार है, तो फोर इंटू जीरो, ठीक है, इसका जीरो होता है चार्ज, इसलिए जीरो। और इक्वल्स टू जीरो कैसे है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कहीं भी कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो। तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा निकल के आया ऑप्शन सी, यानी कि -1।